हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही आसान और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है, जो हमारे घर में है हम उस सामान से भी इस रेसिपी को पूरा कर सकते हैं। जो मीठा खाने वाले हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने नारियल लिया है, किशमिश ली है, चिरौंजी ली है, अखरोट लिया है, चीनी ली है, खोया लिया है, बादाम लिया है, 250 ग्राम सिवई ली है, रंग लिया है जो कि खाने में डाला जाता है, रंग वो रंग है ये। और इसमें मैंने घी लिया है, इसको मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आप इसमें से कुछ मेवा हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, लेकिन मीठे में तो मेवा पड़ता ही है। ये मैंने 250 ग्राम सिवई ली है, और 100 ग्राम खोया लिया है। इसमें मैंने 1 गिलास चीनी ली है, 1 चम्मच घी डालते हैं। घी को हल्का सा गर्म करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें सिवई डाल देंगे। हमें सिवईयों को भूनना है, ब्राउन करना है, और सिवई भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिवई नहीं भूनेंगे तो आपकी सिवई चिपक जाएंगी और वो खाने में बहुत खराब लगेगी। तो हम इन सिवईयों को अच्छे से भून लेंगे। आंच को हम स्लो रखेंगे, तेज आंच में से नहीं भूनेंगे। इसको भूनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ये अच्छे से भून जाती है। लगातार चलाते रहिए, वरना नीचे लग के वो जल जाएगी। ये बहुत जल्दी भून जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में आपकी सिवई भून जाएगी। इसको चलाते हैं, इसे हर तरफ से चलाइए और अंदर से इसमें चम्मच से
चलाइए ताकि वो अच्छे से भून जाए। ये देखिए मैं इसमें भून चुकी हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत अच्छी भून गई है। ये समय बहुत ही जायकेदार होते हैं जब आप इसे बना के खाएंगे। देखिए हमारी सेवइयाँ भून गई हैं, बहुत अच्छी तरह भून गई है। हमारी अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े में निकाल लेंगे। ये जलने नहीं चाहिए, वरना इसमें बहुत ख़राब स्मेल आ जाएगी, इसीलिए आप इसे बिल्कुल हल्के आँच में ही भूनेंगे। उसी भगोनों में पानी उबालने के लिए रखेंगे। हमने 250 ग्राम सेवई ली थी, हम इसमें आधा चम्मच पानी, मैक्सिमम आधा चम्मच पानी रखेंगे। उबलने उबालेंगे, ये पानी उबलना चाहिए, इसको गर्म नहीं करना है, इसे उबालना है। इसे उबलने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। ये पानी हमारा उबल गया है, ये खोल रहा है पानी। अब हम इसमें रंग ऐड कर देंगे, रंग आप अपने पसंद का ले लीजिए, मैंने लाल रंग लिया है, ये वैसे ही रंग लाल रंग में ही अच्छी लगती है। मैं आपको कहूँगी आप लाल ही रंग लीजिए, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी बनने से। ये उबलते पानी में ही रंग डालिए, वरना रंग में गांठे पड़ जाएंगे ठंडे में अगर आप इसे डालेंगे। उबलते हुए पानी में रंग डाल दिए, रंग मैंने आधा चम्मच डाला है। अगर तेज़ रंग हो तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं। अब हम इस कपड़े को लपेट लेंगे, ध्यान रहे इसमें पानी वैसे अलग से ना जाए, ये कपड़ा ही पानी में बच डूबे। अच्छे से कपड़े को लपेट लीजिए हाथ में। अब हम इसको खोलते हुए पानी में डालेंगे, इसको मैक्सिमम 1 मिनट से 1.5 मिनट ही पानी में रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, 1 मिनट से भी कम में ये हो जाती है। इसको हमें हटाते चारों तरफ से चम्मच से अच्छे से कर देना है और हम इसे निकाल देंगे। इसका सारा पानी भगोने में ही निकाल लेंगे, सिवन में पानी नहीं होना चाहिए। ये पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, 2 से 3 सेकंड में सारा पानी निकल जाता है। निकल गया, अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे और कप प्लेट को हटा देंगे। ये देखिए कितनी खिल गई है इसमें, इसे भूनते नहीं तो ये सब चिपक जाती है। इस कपड़े को हम हटा देंगे, सारी समय निकाल लेंगे। ये मैंने सूती कपड़ा लिया है, मेरी 250 ग्राम सिवई थी तो मैंने छोटा कपड़ा लिया है। आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो बड़ा कपड़ा लेंगे।
सिमर को फैला दीजिए चारों तरफ से, ताकि उसकी एयर निकल जाए, उसमें भाप से पक्के हो जाएगा। अब हम उसी भगोने को वापस से चढ़ाएंगे। हमें भगोना बार बार धुलने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ में बना रहे हैं कढ़ाई में, उसको भी आप बार बार बना दें। अब हम इसमें बाकी जो हमारा एक चम्मच घी बचा था उसे ऐड कर देंगे भगोने में। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता, दो चम्मच में ढाई सौ ग्राम में दो चम्मच में डाल जाते हैं। अब हम इसमें हरी इलायची और लौंग डालें, इन दोनों को तोड़ दीजिए। साबुत डालने से ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता है, तोड़ने से अच्छी खुशबू आती है उसमें और उसके बघार भी अच्छे लगते हैं। ऐड कर देंगे और ध्यान रखिए ये चटकेगा, घी आपके ऊपर ना आए, थोड़ा दूर हट जाइए। देखिए चटका ना। अब हम इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे, ढक्कन बंद करके डालिए, फिर दीजिए। अब हम इसे खोल लेते हैं ढक्कन को, हम बाकी चीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें चीनी ऐड करेंगे, चीनी की हमें चीनी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप थोड़ी मीठी खाते हैं थोड़ा मीठा बढ़ा लीजिए, वैसे एक गिलास चीनी इसमें बहुत होता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो अपने हिसाब से थोड़ा चीनी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम खोया जो हमने दिया था वो ऐड कर सकते हैं, करेंगे। अब इसमें मेवे ऐड करेंगे, हमने नारियल डाला है। बादाम हल्का से चला दीजिए। किशमिश, चिरौंजी, अखरोट, अगर आपके पास कोई मेवा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें रंग ऐड करेंगे, हमारे सिवैयों में रंग है तो हम इसमें आधा चम्मच रंग ऐड करेंगे। हमें याद रखना है कि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, एक दाल की भी नहीं, हमें सिर्फ इस चीनी को घोलना है, इसमें चाशनी नहीं बननी चाहिए ना आपकी पूरी समय ख़राब हो जाएगी। किसी भी तरीके की कोई चाशनी नहीं बनेगी, सिर्फ इसको हमें चीनी को घोलना है। और खोए को हमने इसीलिए शुरू में डाल दिया ताकि खोए की वो जो गोलियाँ बन जाती हैं जो लोग ऊपर से डालते हैं वो ख़राब लगती हैं। इसमें आप ऐड कर देंगे तो आपका मिक्स हो जाएगा सिमई में, वो खाने में भी टेस्टी लगेगा। खोए को ऊपर से कभी मत डालिए सिमई में, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसकी चीनी घोलनी है। चीनी ना हो इसमें, इतना ही हमें इसे पकाना है। देखिए इसका रंग कितना खूबसूरत आ गया। लेकिन इतना पानी चीनी बहुत है सिमई को बनाने के लिए, आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा। अब हम इसे सिमई डाल देंगे।
से अच्छे से चला दीजिए। सिमाई को मैंने पहले ही तोड़ लिया था ताकि वो लंबी लंबी ना हो, छोटा छोटा तोड़ लीजिए पहले से। देखिए इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से पूरी सिमाइयों को, ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए उतना सामान परफेक्ट था, ये हमारी सिमाई बिल्कुल मिक्स हो गई। ये बनने से एक एक सिमाई अलग अलग हो जाएगी, खिली खिली सिमाई बनेगी, इसमें कहीं पर भी कोई चिपचिपाहट नहीं है। इसे थोड़ा सा चला दीजिए। अब इसको हम ढक्कन लगा और 5 मिनट तक गैस पर रख के बिल्कुल हल्की आंच पर रखें। हमें 5 मिनट तक ऐसे ही बंद करके रखना है ढक्कन। अब सिमाई देखिए बिल्कुल खिली खिली सिमाई बनी है, एक ही अलग अलग है, इसका रंग भी खूबसूरत आया है और ये बहुत ही जायकेदार बनी है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक अच्छे से बाउल या कटोरी में आप इसे निकालिए और इस सिमाई को आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होती। आप चाहें तो किसी फेस्टिवल में 1 दिन पहले से भी इसे बना के रख सकते हैं स्वीट डिश के हिसाब से। इसके ऊपर अब हम बादाम कद्दूकस करके डालेंगे, आप चाहे तो नारियल भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे बादाम अच्छा लगता है इसके ऊपर डालना, तो मैंने बादाम डालेंगे इसके ऊपर। देखिए कितनी अच्छी आई है, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है और जब आप इसे खाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे इसे खा के, और जिसे खिलाएंगे वो भी खुश हो जाएगा।